Hello everyone, you are watching video on Hibernate. This is the lecture number 16 on Hibernate. In this video, we will discuss native query in Hibernate. So let us get started now. Actually, Hibernate provides options to write native SQL query using SQL query object. Hibernate जैसा कि हम जानते भी हैं कि तीन तरीके हमें क्वेरी लिखने के प्रोवाइड करता है पहला तरीका है एचक्वेल दूसरा तरीका है क्राइटेरिया एपीआई ये दोनों ही तरीके हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तीसरा तरीका है नेटिव क्वेरीज सो जब हम नेटिव क्वेरीज की बात करते हैं नेटिव क्वेरी मतलब हम जो क्वेरीज लिखेंगे वह जो भी डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वेरी लैंग्वेज में लिखेंगे मान के चलिए कि हम मैस्कल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो मैस्कल में जो क्वेरी लिखते हैं वह लिखेंगे या फिर वोरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो वोरेकल डेटाबेस में जो क्वेरी हम लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे यानी यू कह सकते हैं कि हम एस्क्ल क्वेरीज लिखेंगे और एस्क्ल क्वेरी हाइबरनेट एप्लीकेशन में लिखने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट हाइबरनेट प्रोवाइड करता है और वह है एस्क्वल क्वेरी अब इसी को हम प्रोग्रामेटिकली समझे ओके सो हम यहाँ पे मास्कअल डेटाबेस यूज कर रहे हैं मास्कअल डेटाबेस में एक ई टेबल है जो हाइबरनेट की एम्प्लाई uh, बीन uh, से अटैच हमने किया हुआ है मैप किया हुआ है और इसमें तीन कॉलम्स है आईडी, नेम सैलरी जो कि एम्प्लाई बीन प्रॉपर्टी से मैप्ड है और उनमें कुछ रिकॉर्ड है अब ये एम्प्लाई की रिकॉर्ड हमें यदि नेटिव क्वेरीज यूज करके सेलेक्ट करने हैं तो कैसे क्या करेंगे वह देखें सो so, अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया Eclipse में मैं प्री क्रिएटेड हाइबरनेट एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हाइबरनेट एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसमें एम्प्लॉय भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें आई डी नेम और सैलरी प्रॉपर्टीज़ है नाव यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड में हमने हाइबरनेट का कोड भी लिखा हुआ है हमें करना ये है कि यहाँ पर हम नेट क्वेरी को यूज़ करना सीखेंगे सो नेटिव क्वेरी लिखने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एस्क्वल क्वेरी इंटरफेस यूज करना है तो उसका एक रेफरेंस मैंने ले लिया देन एस डॉट क्रिएट एस्क्वेल क्वेरी मेथड को हमने कॉल किया और यहाँ पे हमें क्वेरी लिखना है और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ जो हम क्वेरी लिखेंगे वह जो क्वेरी लिखी जाएगी वह नेटिव क्वेरी होगी मतलब एक्वेल में लिखेंगे मतलब मैं यहाँ पे माइस्कअल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो वो जो क्वेरी लिखी जाएगी वही क्वेरी होगी जो हम माइस्क्ल में लिखते हैं फाइन तो जैसे मान के चलिए कि हमें सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं है, 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 तो हमने लिखा ओके सो दैट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ऑल द कॉलम्स कैन बी सिलेक्टेड अब यहाँ पे जब आप सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी लिखोगे मतलब ऑल कॉलम्स की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है तो उस केस में एक काम आपको और करना पड़ेगा और वह यह है कि आपका जो एस्क्वेल क्वेरी का रेफरेंस है क्यू उस पर एक मेथड कॉल करनी है एड एंटिटी और इसमें जो भी बीन क्लास हमने क्रिएट की हुई है उस बीन का क्लास टाइप यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा सो so दैट जब इस क्वेरी के अगेंस्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट किए जाएंगे तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है किस बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो हाइबरनेट का पता लग जाएगा बाकी की चीजें एज इट इज रहेगी ये भी हमें एम्प्लाई टाइप के एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट एम्प्लाई एल एस टी सपोज एंड देन क्यू डॉट लिस्ट मेथड मैंने कॉल किया अब लिस्ट की वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के लिए इच मेथड में कॉल कर रहा हूँ सो इच मेथड कॉल किया यहाँ पे हम लेमडा एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे ताकि जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उनको शो कर सकें तो ई एल एरो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट में एलिमेंट को हम प्रिंट करवा देते हैं सो दिस इज हाउ टू यूज द नेटिव क्वेरीज सो राइट क्लिक रन एप्लीकेशन एंड चेक एंड दिस इज आउटपुट लुक है ना ये MySQL डेटाबेस की क्वेरी में लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी ओके और ये सभी रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ गए यहाँ पे ध्यान रखना जब नेटिव क्वेरीज यूज करोगी तो आपको टेबल नेम और टेबल के कॉलम नेम्स यूज करने हैं एचक्ल के जैसे नहीं कि यहाँ पे बीन प्रॉपर्टी नेम और बीन नेम यूज करना है कि, चले, एक क्वेरी और मैं यहाँ पे आपको बता दूं अभी मैंने सभी कॉलम्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट करना बताया अब यदि मान के चलिए कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम या कॉलम को स्पेसिफाई करना है सभी कॉलम सेलेक्ट नहीं करने कॉलम के नेम स्पेसिफाई करना है तो उस केस में क्वेरी कैसे क्या लिखोगे वह अभी हम देख लें और इसी में मैं चेंज करके बता दूं और क्या आपको याद रखना भी बता देता हूँ तो मान के चलिए कि मुझे जस्ट लुक हियर यहाँ पे सिर्फ नाम सेलेक्ट करने हैं ओके ओनली नेम्स आई वांट टू सिलेक्ट तो उस केस में आपको क्या करना होगा यहाँ पे लिखना होगा सिलेक्ट एंड द कॉलम नेम इज नेम ओके कॉलम नेम नेम है तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम यम लिखा अब यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी आप सिलेक्ट क्लॉज में स्टार नहीं लिखते हो कॉलम के नेम या फंक्शन के नेम स्पेसिफाई करते हो तो आपको फिर आइडेंटिटी वाला मेथड कॉल नहीं करना है दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर यदि सिलेक्ट स्टार लिखा तो यहाँ पे आइडेंटिटी मेथड कॉल करके बीन क्लास को स्पेसिफाई करना पड़ेगा बट यदि कॉलम नेम्स आपने मैंसन किए फंक्शन नेम्स आपने मैंशन किए सिलेक्ट क्लॉज में तो फिर आपको आइडेंटिटी नहीं लिखना है और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपको जो लिस्ट मिलेगी वो बीन टाइप की नहीं मिलेगी फॉर एग्जाम्पल अपने इस प्रोग्राम में एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट नहीं मिलेगी instead यहां पे आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट टाइप की ओके सो इवन यदि नेम लिखा है तो तो आप चाहो तो यहां पे नेम का जो टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग भी लिख सकते हो सो दैट इज अप टू यू राइट क्लिक इट रन एज आवर एप्लीकेशन एंड जस्ट लुक लुकेट द आउटपुट है ना तो नेम सिलेक्ट होके आ गए अब यदि आपको यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स मेंशन करने तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ अरे यानी ऑब्जेक्ट क्या अरे का सिंबल लगा देना और फिर जितने आपने यहाँ पे कॉलम्स इंक्लूड किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंडेक्स लिख के वैल्यूज को शो करवा देना सो दिस इज हाउ टू राइट द नेटिव क्वेरीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो